बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस सर्जरी के फॉलोअप के दौरान सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि हमें बुजुर्ग वर्ग के मरीजों में यानी कि बढ़ती उम्र के मरीजों में देखने को मिलती है। इस श्रेणी के मरीजों में वजन की कमी से जो उनके जीवन में फर्क आता है वो अभूतपूर्व होता है। ये उम्र में मेदस्विता की वजह से काफी सारी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सांसों में दिक्कत, नींद की दिक्कत तो होती ही है, पर इसके अलावा मोबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि उठने बैठने में, चलने फिरने में जो दिक्कतें होती है वो उनकी परेशानियों का एक बड़ा कारण होता है, जिनकी वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का स्तर काफी नेगेटिवली यानी कि बुरी तरह से प्रभावित होता है। मोबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि उठने बैठने, चलने फिरने में जो तकलीफें होती है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है जब भी हम बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस सर्जरी के बारे में बात करते हैं। मेदस्विता की वजह से होने वाली दूसरी बड़ी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, सांसों की दिक्कत, उसी के बारे में सारी चर्चा होती है और उन्हीं को ध्यान में लिया जाता है, चाहे वो ऑपरेशन करवाना या न करवाना उसके निर्णय की बात हो या फॉलोअप के दौरान ऑपरेशन से होने वाले सुधार के एनालिसिस की बात हो। पर हकीकत में एक बड़ा वर्ग बुजुर्ग मरीजों का है जो कि बढ़ते वजन की वजह से एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि काफी निम्न स्तर के जीवन स्तर के साथ जूझ रहे हैं, क्योंकि उम्र और मेदस्विता की वजह से उनको चलने फिरने, उठने बैठने में काफी ज्यादा तकलीफें हैं। बढ़ती उम्र में वैसे भी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बॉडी को बैलेंस करने में दिक्कत होना, बार बार गिर जाना, ये वैसे भी आम बातें हैं, पर उसके साथ में अगर बढ़ती उम्र में वृद्ध इंसानों में अगर वजन ज्यादा है या मेदस्विता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती है। कुछ मरीजों में स्थिति वहां तक होती है कि खुद की देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है, एक नॉर्मल और आम जीवन जीना मुश्किल होता है, व्यवसाय के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए घर से निकल के सक्रिय होना मुश्किल होता है। ऐसे मरीजों में जोड़ों और कमर का दर्द, बार बार गिरना और फ्रैक्चर होना, इमरजेंसी और इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन की जरूरत होना, बार बार या नियमित रूप से पेनकिलर दवाइयों की जरूरत रहना, बार बार फिजियोथेरापिस्ट के पास सेशन के लिए जाना, ये सारी चीजें काफी आम हो जाती है। ऐसे कई मरीजों में बेरियाट्रिक सर्जरी और उससे होने वाला वेट लॉस वरदान स्वरूप हो जाता है। वजन कम होने से उनके जीवन में इतना सुधार होता है, मानिए उनको नया जीवन मिल जाता है। वो अपने जीवन में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, व्यवसाय और सामाजिक रूप से बेहतर सक्रिय हो पाते हैं, खुद से बाहर निकल पाते हैं, खुद का ध्यान रख पाते हैं, लोगों पे कम डिपेंडेंट हो जाते हैं, घुटनों और कमर का दर्द कम होता है, बार बार गिरने की समस्या कम होती है। ये सब की वजह से इमरजेंसी और प्लान ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन की जरूरत कम हो जाती है, पेन किलर दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि उनकी बाकी रही जिंदगी का जीवन स्तर काफी हद तक सुधर जाता है। इस श्रेणी के मरीज यानी कि वृद्ध मेदस्वी मरीजों को बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में तब भी सोचना चाहिए अगर उनको मेदस्विता संबंधित बड़ी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय का प्रॉब्लम, सांसों की दिक्कत ना हो। इस श्रेणी के मरीजों को बेरियाट्रिक सर्जरी तब भी करवानी चाहिए अगर उनका BMI बहुत ज्यादा ना बढ़ गया हो, यानी कि अगर उनका BMI 35 से 40 के बीच में है पर उनको मोबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि उठने बैठने और चलने फिरने में काफी ज्यादा तकलीफ है, तब भी उनको बेरियाट्रिक सर्जरी करवाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम तब तक वेट करें या तभी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोचे जब वजन इतना बढ़ जाए कि उनका BMI 45 से 50 तक पहुंच जाए। हकीकत में अगर BMI बहुत ज्यादा ना हो और अन्य बीमारियां ना हो तो बेरियाट्रिक सर्जरी का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाता है, और ऐसे मरीजों को
कम जोखिम के साथ ये सर्जरी करके जीवन के स्तर को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, अगर आप वृद्ध मेदस्वी व्यक्ति हैं जिनको वजन की वजह से काफी ज्यादा तकलीफें हैं, तो आप किसी बेरियाट्रिक सर्जन से मिल सकते हैं कि क्या इस प्रकार का ऑपरेशन आपके लिए उचित है, आपको उससे कितना फायदा मिलने की संभावना है और आपके लिए ये ऑपरेशन कितना जोखिमकारक है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई मित्र इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप ये जानकारी उनसे भी साझा कर सकते हैं, ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद के लिए हम तत्पर हैं।